नीरज चोपड़ा एक ऐसा नाम जिसके पीछे पूरी दुनिया अपना दिल हार बैठी है। ऐसा लगता है मानो ऊपर वाले ने नीरज चोपड़ा को बेहद फुर्सत से बनाया हो। टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्डन बॉय ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, जिसके बाद उनका जादू हर जगह छाया है। आज नीरज चोपड़ा को लोग सिर्फ उनके जावलिन के खेल के लिए ही नहीं बल्कि उनकी एक्टिंग की खूबी से लेकर उनके देसी ठेठ अंदाज के लिए भी जानते हैं। उनसे जुड़े कई वीडियोज इंटरनेट पर आए दिन वायरल भी होते हैं। भारत की शान नीरज चोपड़ा आज दुनिया भर में बेहद मशहूर है। महज 23 साल के नीरज ने वो कारनामा किया है जिसका मुकाबला करना आज हर किसी की बस की बात नहीं है। इन दिनों करोड़ों दिलों में बसे नीरज चोपड़ा के कई अलग तरीके के डांस वीडियो इंटरनेट पर खूब धूम मचा रही है। देसी अंदाज से जलवा बिखेरने वाले नीरज बीते दिनों से कई रियलिटी शोज का हिस्सा बने हुए हैं, जहां उनके कई वीडियो क्लिप खूब वायरल भी हुए। अभी हाल ही में नीरज अमिताभ बच्चन के शो में पहुंचे थे। यहां गोल्डन बॉय ने अपने देसी अंदाज से बॉलीवुड के बादशाह तक की बोलती बंद करा दी थी, जहां नीरज के इस जलवे पर खुद अमिताभ बच्चन ने उनकी खूब तारीफ भी की। वहीं गोल्डन बॉय बीते दिन एक टीवी के डांस रियलिटी शो में पहुंचे। फिलहाल इस शो से जुड़े लोगों के साथ नीरज चोपड़ा का डांस खूब सुर्खियों में बना हुआ है। यहां नीरज चोपड़ा जमकर अपना बेहतरीन अंदाज दिखा रहे हैं। गोल्डन बॉय ने शो में जलवा बिखेरते हुए अलग अलग डांस करके लोगों को दिखाया, जिनमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीतने के बाद का डांस, दोस्तों के साथ पार्टी डांस, वहीं शादी वाला डांस, जिसके बाद नीरज ने ब्रोमेंस जैसे डांस भी किए। जहां एक तरफ नीरज के खेल से लेकर एक्टिंग तक की बात अब तक हो रही थी, तो इसी बीच रियलिटी शो में इनके ये अलग अलग डांस के तरीके पर लोग गोल्डन बॉय को मल्टी टैलेंटेड बोल रहे हैं। नीरज चोपड़ा की दीवानगी इस हद तक बढ़ चुकी है कि सोशल मीडिया यूजर्स खिलाड़ी को फिल्मों में जाने की नसीहत दे रहे हैं। कभी अपने बाल तो कभी अपनी बोली को लेकर लोगों के दिलों में छाने वाले नीरज चोपड़ा से जब शो में रोमांटिक बातें करने को कहा गया, तो वहां उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जैवलिन और खेल के प्रति प्यार को दर्शाया। इन्होंने साफ कहा कि उनका पहला प्यार जैवलिन ही है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले, और देखते रहिए HCN News। धन्यवाद।